हे दिस मनीष एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू एपिसोड। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। सो लेट्स गो स्ट्रेट टू द वीडियो। अब सबसे पहला सवाल आता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट ये क्या होता है, यानी कि कोई घर है क्या जो हरा भरा होता है? तो ऐसा नहीं है। ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि ये होता है कि जो सन की जो एक तरह से जो लाइट आती है, यानी कि जो सन की जो रेस आती है, जो कि लाइट होती है, वो अर्थ के सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है। तो वो रिफ्लेक्ट होकर, यानी रिफ्लेक्शन होकर वो वापस जाते हैं। लेकिन जब वो ऐसे रिफ्लेक्ट होकर वापस जाने वाली रहती है, तब कार्बन डाइऑक्साइड एनॉल ये सारी कुछ गैसेस हैं, आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं, ये सारी वो जो लाइट रेस होती है जो कि सन से आती हैं, उसको ट्रैप कर लेती हैं। तो जब जो सन की रेस, यानी कि जो सन की जो लाइट रेस आती हैं, वो जब अर्थ के सरफेस से टकराती हैं और रिफ्लेक्ट होती हैं, तो वो जस्ट ऐसे वापस चली जाती हैं, यानी कहीं बाहर चली जाती है, एक्सोस्फेयर के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो ये तो होता है नॉर्मल सिनेरियो। लेकिन जो कुछ गैसेस, यानी कि वाटर वेपर, ओजोन, O3 एक ही है, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोरोफ्लोरोऑक्साइड या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोऑक्साइड, ये सारे कुछ गैसेस हैं जो एक तरह से ऐसे ट्रैप कर लेती हैं, यानी कि जो सन की लाइट होती है उसको वापस ही जाने नहीं देती, वो उसको एटमॉस्फेयर में ही ऐसे रोक देती है, एक तरह से ट्रैप, यानी कि एक जाल बनाती है, यानी कि जो सन की जो लाइट की जो रेस होती है उसको अंदर ही अंदर रोक देती है, यानी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही रोक देती है, जिस वजह से जो सन की जो लाइट रे है वो ऐसे रुक जाती है, जिस वजह से अर्थ यानी कि ग्लोबल वार्मिंग होती है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो अब बात करते हैं किस देश की कितनी भागीदारी है इस ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देने में, या बढ़ावा भी नहीं कह सकते हैं कि कितना किस कंट्री से इस जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कितना परसेंट उसका हाथ है। तो सबसे पहले नंबर पर वही नाम है, चाइना। लव यू ऑल।